हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज का वीडियो बहुत ही सुंदर वीडियो होने वाला है। आप कहते होगे कि आप हर ही वीडियो में ये बोलते हो बड़ा सुंदर होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत हंसे वाला होगा। हम क्या करें, आप लोग सजेस्ट ही इतने अच्छे अच्छे वीडियोस करते हो कि आप लोगों को मुझे लगता है पता चल चुका है कि हमारा टेस्ट क्या है, और आप हमारे टेस्ट के हिसाब से इतने अच्छे अच्छे वीडियोस करते हो। यहाँ हो सकता है आपका टेस्ट और हमारा टेस्ट बिल्कुल मैच करता है। तो यस फ्रेंड्स, आज का वीडियो है आई हीरो स्टोरी ऑफ लेजेंडरी इंडियन आर्मी सूबेदार योगेंद्र यादव। और अगर आपको याद हो तो हमने इनका एक इंटरव्यू किया था, और उस इंटरव्यू में एक्चुअली मैंने उन्हें डेप्थ में नहीं बताया था कि जब वो गए थे तो फाइट में एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो हमें था कि भैया, क्योंकि खुद उनके मुंह से सुन के पता चले कि एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे किया, वो बहुत ही एक मतलब इंटरेस्टिंग होगा, और उससे हमें पता चलेगा कि हमारे सोल्जर्स जो जाते हैं बॉर्डर पे क्या क्या फेस करते हैं। तो उसके बाद जो आपने हमें ये लिंक सजेस्ट किया, आई एम सॉरी कि हम जल्दी नहीं कर पाए, और आप हमको बोलते रहे कि भाई जल्दी करो जल्दी करो, पर क्या करें, ये भी कोशिश होती है कि जो पहले रिक्वेस्ट आई हैं उनको भी करें, कि कोशिश होती है ना कि भाई फेयर होए सबके लिए। तो वो था, पर मन बहुत था इसको करने का, तो थैंकफुली आ गए हैं, अब हम कर सकते हैं। तो ये वीडियो हम देखेंगे और आई एम श्योर बहुत ही अच्छा वीडियो होगा। और अगर आपने वो पहला वाला इंटरव्यू नहीं देखा तो डेफिनेटली देखो, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था। तो मैं क्या करूंगी, उसका लिंक यहाँ पे डालने की कोशिश करूंगी, होप करती हूँ भूल ना जाऊं, तो आप उस पर क्लिक कर लो। और चलो देखते हैं आज का वीडियो। पर यस फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम उन्हें अपलोड करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कर देना लाइक, और शेयर करना ये इंटरव्यू अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो ब्रेव हैं सोल्जर्स, उनकी ब्रेवी कितनी है, कितने कमाल के अचीवमेंट्स वो करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का ये वीडियो। हमारा जो परिवार था वो जो है आर्मी बैकग्राउंड से रहा, क्योंकि फादर थे वो भी आर्मी में थे, और उन्होंने 71-65 की लड़ाई लड़ी थी। तो वो उनके जो अपने अनुभव थे लड़ाई के, जब वो अपने साथियों के साथ में शेयर किया करते थे, तो शाम को जो हम भी सुनते थे उनसे, तो उसी समय एक जो है मन के अंदर हुआ कि यार मैं भी जो है फौज में जाऊं और देश के लिए कुछ कर पाऊं। तो एक उस समय जो उस टीनेज के अंदर जो एक बच्चे का जो सपने होते हैं ना, वो सपना ही मेरा ये था कि मैं जो ना हर सपने के अंदर मुझे लड़ाइयां दिखती थी, और उन लड़ाइयों में जो है लड़ता हुआ देखता रहता था सपने। मेरा भाई फिर फौज में हो गया, मैं जब 11th में था मेरा भाई फौज में हो गया। मैंने 12th में आया तो भाई जब छुट्टी आया वापस, तो उन्होंने बोला कि यार आप भी जो है फौज को देख लो, ट्राई मारो। मगर मैं इंटर कर लेता हूँ उसके बाद में, जो बोले नहीं इंटर तो चली रही है अभी, ट्राई मारो। तो उस समय मेरी उम्र 16 साल 5 महीने की थी। मैं अक्टूबर महीने में जो है फौज की जो भर्ती निकली थी उसमें ट्राई करने के लिए चला गया। ये एक अंदर विश्वास था कि एक बार तू चला गया ना सेलेक्ट हो जाएगा। फादर को नहीं था कि यार नहीं एक बार, ये 2 बार में 3 बार में सेलेक्ट होगा, लेकिन मेरी माँ को भी जो है विश्वास था कि ये एक बार गया नहीं ये सेलेक्ट हो जाएगा। गया भर्ती करने, फिजिकल देके आया, फिजिकल में सेलेक्ट हो गया, उसके बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद फिर रिटन टेस्ट हुआ, सेलेक्ट। और ये एक ऊपर वाले की जो है एक मेहरबानी रही होगी, क्योंकि तो मेरे सपनों को पूरा करना चाह रहा होगा। मैं भर्ती हुआ तो ग्रेनेडियर रेजिमेंट में भेज दिया गया। उसकी तो अभी जो है टेंथ में जो है कहानियां पढ़ रहे थे, अब्दुल हमीद हुशार सिंह की कहानियां पढ़ी, उसी रेजिमेंट में मुझे भेज दिया। तो जो एक सामाजिक वैल्यूज होती हैं वो स्ट्रांग बनाती है एक इंसान को। तो हमारे रेजिमेंट की जो वैल्यूज थी वो वैल्यूज हमारे अंदर आई, तो हम और स्ट्रांग हुए। और एक साल की ट्रेनिंग लिया, एक ट्रेनिंग लेने के बाद फिर 18 ग्रेनेडियर्स के अंदर जो है पोस्टिंग मिली,
उस समय वो कश्मीर वैली के अंदर ही थी यूनिट। वहां पहुंचे तो अपने साथियों के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वहां पे ऐसे टेररिज्म के बरखिलाफ कैसे ऑपरेशंस करते हैं हम, कैसे उनको घेरना, कैसे मारना है, क्या करना है, पूरा जो है ए टू जेड वहां से बहुत कुछ सीख ला। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा अपने साथियों के साथ घुल मिल करके, अपनी जो है वो अपना जो डे टू डे लाइफ जो व्यतीत हो रही थी। अचानक जैसे 1999 आया, तो जनवरी और फरवरी 2 माह की मैं छुट्टी कर आया हुआ था, तो ऐसा कोई माहौल ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाए। उस 2 महीने की मैरिज, 2 महीने की जो छुट्टी थी उसी में मेरी मैरिज पक्की हो गई। और जब यहाँ से गया तो 5 मई की मैरिज निर्धारित हुई। मेरे जो कंपनी कमांडर थे मेजर राजेश अधिकारी साहब, उन्होंने मना भी किया था, बोला नहीं यार 1 महीने की छुट्टी चला जाए, फिर नहीं आने के बाद में बोलेगा मेरी शादी है फिर तेरे पास छुट्टी तो होगी नहीं। मगर सर 20 दिन की बहुत है। मैं जाके बोला मगर सर मेरी शादी है, बोला मैं मना किया था ना 1 महीने की, अब कौन सी जाएगा। मगर सर 20 दिन की दे देना बहुत है। तो मई में अभी उसी समय फरवरी के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने लाहौर बस यात्रा किया था। तो देश और देशवासियों को कुछ पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के साथ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण, एक इंसानियत को जिंदा रखने वाला वातावरण बनाता जा रहा था। सभी को लग रहा कि अभी देखो इतने अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध बन रहे हैं मुझे तो याद हम है। बहुत उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, क्योंकि जब इंसानियत जुड़ेगी तो ताकत बनेगी और ताकत जो है आगे बढ़ाएगी दोनों देशों को। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान ये नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोनों के बीच में एक इंसानियत जिंदा रहे, वो इंसानियत को दफन करना चाहते। उन्होंने उसी मैत्रीपूर्ण वातावरण के अंदर एक षड्यंत्र रच दिया। कारगिल के जो तमाम चौकियां थी जहां पर हिंदुस्तान की चौकियां हुआ करती थी, उनके ऊपर सबके कब्जा कर लिया। क्योंकि तो जो एक 71 में शिमला, जो शिमला का समझौता हुआ था, उसमें कुछ एक ये नियम बनाए गए कि इतनी ऊंची दुर्गम पहाड़ियां हैं जहां पर जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता है, वहां पर विंटर के समय में तो और बहुत मुश्किल होता है कि दोनों सेनाएं विड्रॉल होकर के अपने अपने बेस कैंप में आ जाएंगी। तो हमारी सेना तो एक अनुशासन प्रिय सेना है हिंदुस्तान की, एक वेल डिसिप्लिन्ड सेना है। तो हमने उसी के हिसाब से हमारी फौज नीचे थी, लेकिन उनके अंदर तो कुछ दूसरा ही था। उन्होंने जाकर के हमारे पूरे पोस्टों को कैप्चर कर लिया। एक दिन मुझे स्वप्न दिखाई दिया था कि जैसे कोई हमारे नेशनल फ्लैग को लेकर के भाग रहा है और हमारे देशवासी जो है उसको, जो सैनिक है उनको गोलियां मार रहे हैं, वो हमारे सैनिकों को मार रहे हैं। इस तरह का एक स्वप्न दिखाई दिया। तो मैं घर में शेयर किया कि मगर इस तरह का जो है एक स्वप्न दिखाई दिया है, कुछ ना कुछ हुआ। तो सभी बोले यार नहीं, तू कश्मीर में रहता है ना, वहां पे गोलियां चलाता रहता है, तो इस तरह से तेरे जो वो दिमाग में वही बैठा हुआ वही चीज है। लेकिन जब जम्मू पहुंचा तो वो जो जो स्वप्न दिखाई दिया वो बिल्कुल सच हुआ। क्योंकि जम्मू पहुंचते ही मुझे पता चल गया कि जो मेरी बटालियन जो कश्मीर वैली के अंदर थी उसको वहां से उठा करके द्रास सेक्टर में भेज दिया है। और यहाँ क्योंकि अनाउंस हुआ कि जो 18 ग्रेनेडियर्स के बंदे हैं वो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट जमा करें, उनकी यूनिट वहां से मूव करके वहां चली गई, उनको बंदों की बहुत ज्यादा बड़ी आवश्यकता है। पूछताछ किया क्या हुआ, नहीं नहीं कुछ नहीं, वहां पे जो है वो चल रहा है। तो जैसे जैसे जानकारी मिली तो एक मेरा तो जो है दिली सपना था आज वो सच हो रहा था। ये तो बहुत बड़े मेरे लिए प्राउड की बात थी, एक खुशी की बात थी। मैं सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी कब यूनिट में पहुंचूं। लेकिन 2 दिन के बाद में जब यूनिट पहुंचा तो यूनिट जो है उस समय द्रास सेक्टर में तोरोलिंग पहाड़ी के ऊपर लड़ाई लड़ रही थी। तो उसी दिन बटालियन का मूवमेंट हुआ, एक हमारा जवान को हेड शूट हुआ था, उसकी गड़बड़ी नीचे की तरफ आ रही। जो एक हमारा फौज में एक संबंध होते हैं, आपसी संबंध इंटर रिलेशन में होते हैं, वो एक परिवार की तरह होते हैं। और परिवार में अगर किसी भी नुमाइंदे को कुछ चोट लगती है तो बाकी के परिवार के सदस्यों का खून खौल उठता है, वो जो लगाव है अपनापन है। अभी जब हमने अपने साथी को देखा इस अवस्था में, अभी हमें लगा कि यार इसका बदला लेना। तो उसी दिन हम 15 जवान छुट्टी काट करके गए थे, तो हमें एक साथ तो ऊपर भेजा नहीं, तो
हमारी दो कंपनियां एक रिस्क से चली, दो कंपनियां इस तरह से चली ताकि जो मल्टीपल अटैक हो सकें और हम दुश्मन की ताकत को बांट करके आसानी से कब्जा कर सकें, क्योंकि जो वहां पे इंफॉर्मेशन थी वहां पे ये था कि टेररिस्ट हैं 4 या 5 जो शुरुआती इंफॉर्मेशन थी, तो उसी इंफॉर्मेशन में जो है इधर से चल रही थी, तो इधर वाली जो पार्टियां थी दो कंपनियां थी उनके पास फाइटिंग पोर्टर्स नहीं थे। तो एक इंसान को कोई भी काम मिले, कोई भी, उस काम के ऊपर अगर वो फुल एफर्ट लगाता है, अपनी शरीर की जो आंतरिक शक्ति है उस शक्ति के साथ में उस काम को करता है, तो वो काम बहुत आले दर्जे का होता है और वो काम ही उस इंसान की पहचान बनाता है। मैं कोई ऐसा विशेष शक्ति लेकर के तो पैदा हुआ नहीं हूं, मैं तो आम लोगों की तरह ही आम ही इंसान हूं, कोई मेरी कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं थी जिस क्वालिटी के आधार के ऊपर मुझे सेना में भर्ती किया गया, नॉर्मल प्रोसेस के द्वारा जो है भर्ती हुआ। लेकिन जब वो 15 जवानों को हमें एक काम मिला कि नीचे से ऊपर यार अमनेशन और राशन पानी लेकर के जाना, तो हम सुबह 5:30 बजे चलते थे और रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचते थे, जिसमें दुश्मन की आर्टिलरी फायर कर रही है, मोटर्स फायर आ रही है, उनकी गन्स का फायर आ रहा है, मौसम बिल्कुल खराब है, लेकिन इन सब के बावजूद हमें एक लगन लगी हुई थी कि जो ऊपर मेरा साथी बैठा है वो इसलिए फायर कर रहा है क्योंकि हम उसको अमनेशन दे रहे हैं, वो हमारे सीने को सेफ रख रहा है, तो हमारा दायित्व बनता है कि उसकी पीठ को सेफ रखें। तो इसी उससे एम से हम जो है 22 दिन तक कंटिन्यू चले, और 22 दिन कंटिन्यू चलने वाले सिर्फ हम 3 जवान ऐसे थे जो लगातार चलते रहे। उन हम 22 दिन के अंदर हम तीनों जवानों की एक पहचान बनी कि ये तीनों जो जवान है इनका फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो इनको एक अलग विशेष टुकड़े के अंदर शामिल किया जाए। तो तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर 22 दिन में बाद 12 जून 1999 को बटालियन में 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खो करके 12 जून को पहली सफलता के रूप में तोलोलिंग पहाड़ी प्राप्त हुई थी। उसके बाद द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल, उसका जो है एक और टाक समय मिला, तो बटालियन कमांडर ने बोला कि यार हम एक और टक्स हिंदुस्तान की फौज ने दिया है और ये हमें मौका है कि हमारे वो जो 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवान जो शहादत दिए उनका बदला लेने का हमें एक और मौका मिला है, तो हम उनका बदला लेंगे। तो फिर उसके बाद उन्होंने टाइगर हिल की पूरी प्लान बनाया, प्लान बनाने के बाद सभी को बताया कि इस प्रकार से हमने लड़ाई लड़नी है, ये काम करना है, इस अगर इस प्लान से हम चलेंगे तो हम सक्सेस मिल सकती है। तो उसमें घातक प्लेटून, ये सबसे पहले राइट साइड से, राइट साइड वाला जो रास्ता था बिल्कुल खड़ी चट्टान थी 90 डिग्री की, जिसपे चढ़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि उधर से दुश्मन बिल्कुल आश्वस्त होकर के बैठा था कि यहां से हिंदुस्तान की फौज करके हमला हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकती है, हमें वही रास्ता चुना गया। पर उस रास्ते पे चलने के लिए तो जरूरी था कि एक तो यंग जवान होने चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी, मौसम की मार थी, फिर अगर हम जल्दी से जल्दी उस वहां उस रास्ते को कवर कर लेंगे तो हमें सक्सेस आसानी से मिल सकती है, फिर अगर हमारे सक्सेस जो अगर हम जल्दी जल्दी उसको एरिया को कवर नहीं करते तो हमारा नुकसान ज्यादा होगा। तो इसलिए एक यंगेस्ट टीम, कुछ पुराने जवान, उनका पूरा मिश्रण करके एक जवान एक टुकड़ी बनी घातक प्लेटून। तो उसी समय हमारे कमीशन होकर कहे थे लेफ्टिनेंट बलवान से, उसको उस टीम की जो है कमान सौंप दी गई। तो हमें 4-5 दिन का रिहर्सल का समय मिला कि आप किस प्रकार से अपने टास्क को पूरा करेंगे, इसकी जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आखिरकार हमें चढ़ने का आदेश मिल चुका कि आप लोग उस दिन टाइगर हिल के लिए मार्च करें। फिर हमने शुरू किया, तो उस पहाड़ी पर क्योंकि ऊंचाई उसकी 16,500 फीट, रात को चढ़ सकते थे दिन में नहीं। हम पूरी रात चले, चलने के बाद सुबह जैसे फर्स्ट लाइट हुआ, उजाला हो गया, तो हमने वहां पर पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर थे उनके पीछे छुप करके चुपचाप बैठे रहे, पूरा दिन उन पत्थरों के पीछे गुजारा। जैसे फिर अगली रात हुई, अंधेरा हुआ, फिर हमने चलना शुरू किया। तो पहाड़ियों के अंदर एक और चीज होती है कि पहाड़ी में जब बिल्कुल हम नीचे पहुंच जाते पहाड़ी के और जब उस पर चढ़ना देखते तो जो पहली वाली टॉप है वो ही लगता है यार यही इसका मेन टॉप है, लेकिन जब उस टॉप पर पहुंचते हैं तो अगली वाली चोटी दिखाई देती है।
तो दूसरी रात जब हम पूरा दिन पूरी रात चलने के बाद उस स्टॉप के नजदीक पहुंचे तो हमारे डेल्टा कंपनी साथ साथ चल रही थी हमारी सपोर्टिंग के लिए। तो उसके जो कंपनी कमांडर थे कैप्टन सचिन निंबालकर, उन्होंने बोला यार बलवान यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, बोला चलो यहाँ पे फ्लैग लगा देते हैं। जब उस चोटी के ऊपर चढ़े यार ये नहीं अगले वाली चोटी है, फर्स्ट लाइट होगी थी। सभी ने बोला सर ऐसे करते चाय पीते फिर चलते हैं। बोला नहीं नहीं चाय वहीं पियेंगे जाकर, उस दिन तो पूरा दिन चले हम, पूरा दिन चलते शाम के बाद यही समय रहा होगा तो वहां पहुंचे उस टॉप पर पहुंचे तो फिर अगले वाली चोटी दिखाई। फिर सभी ने बोला सर ऐसे करते हैं अभी थोड़ा सा रेस्ट करके फिर चलते क्योंकि पूरा दिन हो गया पूरी रात हो गया चलते। तो अभी हम वहां पर बैठ करके अपने वेपन्स को डिप्लॉय कर ही रहे थे तो सचिन निंबालकर साहब के साथ जो टीम थी वो आगे के इलाके को थोड़ा सा सर्च करने के लिए चली गई। जैसे वो आगे की तरफ गए तो दुश्मन इतना चौकन्ना था इतना चालाक था वो अपने आप को तब तक छुपा करके बैठा हुआ था कि हम जैसे दुश्मन उसके नजदीक पहुंचे और वो तब फायर करता था। तो जो हमारी टीम उनके नजदीक पहुंची तो उनके ऊपर फायर कर दिया। अब हम डायरेक्ट फायर सपोर्ट भी नहीं दे सकते हो क्योंकि अगर ऐसे तरह से करके फायर करते हैं तो हमारे बंदों को ही गोली लगती है। आर्टिलरी का जो है फायर भी नहीं डलवा सकते हैं क्योंकि सेफ्टी डिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो गया था। अभी सीओ को फिर इन्फॉर्म किया कि सर ऐसे इस तरह की कहानी हो गई है, फिर उनको मैसेज दिया गया सेट के ऊपर अब जहां पर हो जैसे हो पत्थरों के पीछे चुपचाप छुपक करके बैठे रहो, जैसे अंधेरा होगा आपको निकाल लिया जाएगा। तो लगभग रात को 11:30 बजे के आसपास उस टीम को निकाल करके लेके आए तो उसमें एक जवान को हाथ में गोली लगी थी, बाकी हमारे तमाम जवान सेफ थे। सेफ थे जैसे टुकड़ी वापस आई तभी एकदम से आदेश मिला कि यार अभी अटैक होगा। तो यहाँ ईश्वर भी एक के बाद एक मौका मुझे देता जा रहा था। एक तो घातक प्लटून का सदस्य होने का मुझे सौभाग्य मिला, उसके बाद जब यहां से अटैक के लिए चले तो बोला यार तू गाइड होगा अपनी टुकड़ी का, फिर मुझे गाइड के तौर के ऊपर चुन गया। तो एक मेरा नाम राशि दूसरा था, हम दोनों एक दूसरे के गाइड होकर के चलना शुरू किए पूरी टुकड़ी को लेकर। जब रात भर चलती रही सुबह का वक्त था तो एकदम बिल्कुल खड़ी चट्टान जिस पर चढ़ना बहुत मुश्किल था, खड़ी चट्टान स्ट्रेट। वो जवान जो दूसरा मेरे नाम का दूसरा योगेंद्र सिंह यादव था तो वो काफी हाइट थी उसके 6 फुट था। तो बोला यार यहाँ तो ये चढ़ नहीं पाएंगे, बोला नहीं ऐसे कर तू मेरे कंधे में पैर रख और ऊपर कहीं रस्सी बांध दे। मैं रस्सी बांधा, रस्सी बांधने के बाद हम एक एक करके चढ़ना शुरू किया तो उनके दोनों तरफ बंकर्स थे लेकिन अंधेरे की वजह से तो हमें नहीं दिखाई दी। और शायद उस समय वो सो रहे होंगे बंदे भी, लेकिन जब हमारी आवाज हुई पत्थर गिरे ऊपर से तो शायद उनकी आंखें खुली होंगी और उन्होंने ऐसे फायरिंग खोल दिया। एक बंकर उसका इधर था एक इधर था तो इस तरह से ऐसे क्रॉस फायरिंग हुआ तो हमारी टुकड़ी का रास्ता कट अप हो गया। हम केवल 7 जवान जब तक क्रॉस कर चुके थे, बाकी को फिर किसी को क्रॉस करने ही नहीं दिया। उन्हें ऊपर पहुंचे तो 7-8 मीटर का बिल्कुल प्लेन सामने 2 बंकर्स, उन्होंने हमारे ऊपर फायर खोला, हमने भी इधर से अंधाधुंध फायरिंग खोला लेकिन हमने उनको मार गिरा दिया। अब जो हमारा उनका फायरिंग चल रहा था जो टॉप जो टाइगर हिल का टॉप था 50-60 मीटर रहा होगा, तो 50-60 मीटर दूरी कोई ज्यादा दूरी नहीं, उन्होंने देखा यार यहां तक हिंदुस्तान की फौज पहुंच गई है। इतना जबरदस्त हमारे ऊपर गोलाबारी शुरू किया उन्होंने, हम ऐसी परिस्थिति में आ गए एक कदम आगे रखते हैं तब भी हमारी मौत थी और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हमारी मौत थी, यानी मरना निश्चित हो गया था। सभी ने बोला यार मरना ही तो है, यार मरने से पहले जितने ज्यादा से ज्यादा हम मार सकते हैं मारें। और ये हमारे देश और हमारी सेना की सबसे बड़ी ताकत है कि हमारे सैनिक का जो शरीर चाहे गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, उसकी आखिरी सांस क्यों ना बची हो, उसके शरीर की अगर एक भी बूंद बची है शरीर के अंदर तब भी उसके जो है कदम दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं, कभी पीछे की तरफ। ये हमारी भारत माता की मिट्टी में जन्म लेने वाले हर एक हिंदुस्तानी का जो है उसमें ताकत है। हम आगे की तरफ भागे, आगे की तरफ भागे, उनकी डेड बॉडी को निकाल करके मोर्चे से भगाया, फिर उनके मोर्चों से हमने लड़ना शुरू किया। मैं लगभग 5 घंटे हमें हो गए उनके साथ लड़ते लड़ते, तो 5 घंटे में धीरे धीरे हमारा अमुनिशन तो खत्म होना ही था। जब बहुत कम मात्रा में हमारे पास अमुनिशन बचा तो हमने आपस में प्लान किया कि यार
अगर हमारे पास अमनेशन ही नहीं होगा तो इस राइफल का हम क्या करेंगे, कैसे लड़ाई करेंगे। अभी जो भी अमनेशन है उसका एक ऐसा उपयोग करेंगे कि अब हम फायर बंद कर देते हैं ताकि दुश्मन को लगे कि यार ये तो मर गए हैं, ये इनका अमनेशन खत्म हो गया, ये बाहर निकल करके आए पत्थरों से, तब हम फायर खोलें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा दुश्मन को मार सकते हैं। हमने वो प्लान किया, उनकी जो मोटर्स फायर हुआ, उनकी आर्टिलरी का जो फायर हुआ, अचानक से हमने फायर बंद कर दिया क्योंकि वो नजदीक थे, आवाज तो हमारी भी सुन रहे थे। तो हमने फायर बंद किया, फायर बंद करते ही 15-20 मिनट के बाद जब फायर ने, हमारी तरफ से कोई फायर नहीं हुआ, उनको लगा कि यार ये मर गए या इनका मिशन खत्म। तो 15-20 मिनट के बाद पाकिस्तान के 10-12 जवान थे, वो सिर्फ वो नजदीक आए देखने के लिए कि यहाँ पर हिंदुस्तान के जवानों की संख्या कितनी है, जिंदे हैं या मर गए। तो हम अलग अलग इस पत्थर के पास, दो उस पत्थर के पास, तीन तरफ हम बैठे हुए, आपस में पूरा कोऑर्डिनेशन किया था। तो वैसे सामने से जब निकल करके बाहर आए पत्थरों से, एक साथ हमने फायर खोला, उनमें से एक दो बचा होगा, बाकी सबको मार दिया। अब हमारे पास अमनेशन हो गया, हमारे पास वेपन हो गया, फिर हमने उन्हीं का वेपन, उन्हीं का अमनेशन लेकर के फायरिंग करना शुरू। तो जो एक दो जो बचा था उन्होंने जाकर के अपने ऊपर जो कमांडर थे उनको बताया, क्योंकि फायर खोलते ही पता चल गया कि यहाँ पर 8-10 बंदे ही हैं। उन्होंने ऊपर जाकर के बता दिया कि हिंदुस्तान के वहां पर 8-10 बंदे हैं। तो विद इन 30 मिनट हमें संभलने का मौका नहीं मिला, 30 से 35 पाकिस्तान के जवानों दोबारा से हमला कर दिया, और हमला इतना जबरदस्त, जो भी उनके पास जितने भी वेपन थे सभी वेपन्स का एक साथ फायर खोल दिया। हम जहां पर बैठे थे हम सर नहीं उठा सकते थे, जिसने भी सर उठाया उसका सर चला गया। तो काफी देर के बाद जब उन्होंने एकदम फायर बंद किया, फिर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए, धीरे धीरे अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए नजदीक आने लगे। तो हमने फायर फिर भी फायर नहीं खोला, क्योंकि हमें पता था कि मैं फायर खोलूंगा तो मुझे मेरी लोकेशन जाहिर हो जाएगी और वो दूर से मुझे बर्बाद कर देगा, तो नजदीक आएंगे तब मैं फायर खोलूंगा। अब और नजदीक आते रहे तो हमारे पास एक LMG थी, लाइट मशीन गन, वो उनको नजदीक से, जब नजदीक आए तो वो उनको नजर आ गई। जैसे वो नजर आया तो उनको सीधा उसी के ऊपर RPG का राउंड दाग दिया, वह LMG के जो बैरल थे वो डैमेज हो गई, उसको चलाने वाले जो जवान थे उनको भी पत्थर लगे आकर। तो एकदम से वो छोड़ करके ऐसे प्लेटून हवलदार इस तरफ बैठा हुआ था, हमारा एक हवलदार मदन उसकी तरफ भागे, तो उन्होंने बोला यार मर गए सर, मर गए मर गए। तो वो आज भी उनके वो शब्द मुझे आखिरी शब्द थे, आज भी याद ऐसे गूंजते हैं मेरे दिमाग के अंदर, क्योंकि उस LMG के जस्ट बाईं तरफ मैं बैठा तो मुझे आवाज दिया कि योगेंद्र बोला इस LMG को उठा करके फेंक, बोला दुनिया में आज कोई बचाने वाला नहीं है इस वेपन के सिवा, क्योंकि उसकी फायर पावर बहुत ज्यादा थी, तो नजदीक नहीं आ रहे थे दुश्मन उसके। जैसे मैं उसको LMG को ऐसे उसको पकड़ा और उसकी तरफ फेंक तो दिया, मेरी नजर ऊपर की तरफ गई तो जिस पत्थर से मैं फायर करा उसी के ऊपर 7 पाकिस्तान के जवान खड़े थे। बोला सर ये तो नजदीक आ गए, बोला कहां पर ये खड़े हो। तो जैसे ही आवाज सुनाई दी सीधा मेरे ऊपर ग्रेनेड फेंका उसने, तो जो मेरा नाम राशि था योगेंद्र यादव वो पीछे की तरफ लेट करके फायर कर, तो उसको ग्रेनेड का एक टुकड़ा लगा, यहां से उसकी उंगली कटी दूर जाकर के पड़ी उंगली, वो एकदम से उसको आभास हुआ कि यार मेरा हाथ कट गया। हे भगवान जी, बोला मेरा हाथ कट गया। मैं पीछे की तरफ देखा, मगर नहीं यार हाथ नहीं कटा। बोला और, मगर उंगली कटी है। उसको फर्स्ट एड दिया, फर्स्ट एड देने के बाद सभी ने बोला यार ऐसे कर तू अभी फायर तो कर नहीं पाएगा, तू नीचे की तरफ कूद और अपनी कहीं से दाएं बाएं से टुकड़ी को चढ़ाने की कोशिश कर। बोला नहीं नहीं मैं नीचे नहीं जाऊंगा। हम तो बिल्कुल नए जवान थे, 2.5 साल की सर्विस थी, 19 साल की उम्र थी, कोई अनुभव नहीं था, सिर्फ किताबों में अभी स्कूल में पढ़ करके आ रहे थे कि यार एक सैनिक दूसरे के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। आज तो देखने को मिला हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की ये ताकत थी, शक्ति थी। तभी क्योंकि हमारी LMG बिल्कुल साइलेंस होगी, उसकी बैरल डैमेज होगी, अभी दूसरी बैरल उसके ऊपर जो है लगा रही थी, तब तक एक स्नाइपर थी हमारे पास, तो स्नाइपर को उन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया, तो तीन तरफ से उसके ऊपर फायर आ रहा था। एक मेरा ट्रेनिंग का साथी था गणेश अनंतराम, जो हम रूममेट थे ट्रेनिंग के, तो हमको एकदम से प्लेटून वाला ने बोला कि तुम दौड़ करके उसके पास जाओ। जैसे मैं वहां से हरकत किया
तो उनको मेरा मूवमेंट दिखाई दिया कि यहाँ से कोई बंदा यहाँ से गया है, सीधा जैसे उसी मूवमेंट के ऊपर फिर उन्होंने ग्रेनेड फेंका। तो ग्रेनेड का जब एक टुकड़ा आकर के मेरे घुटने के नीचे लगा, तो जैसे मैं खड़ा था खड़े के खड़े नीचे गिर गया। मुझे ये आभास हुआ कि घुटने से पैर कट गया। कुछ देर के बाद एकदम से मैंने ऐसे हाथ मारा तो मगर नहीं पैर तो है, मैं खुद फर्स्ट एड करने लगा। हमें अपने जो है जो भी काम मिला, जो भी काम मिलता है उस काम के अंदर एक अपना मन लगा करके पूरा एफर्ट लगा करके हम अगर उस काम को करते हैं, चाहे हमारे शरीर की शक्ति उसमें पूरी छीन खत्म क्यों ना हो जाए, लेकिन आस्था अगर उस काम के प्रति बनी हुई है तो उस शरीर के अंदर ईश्वरीय शक्ति संचारित होती है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब वहां पर लोग मेरे साथ ही एक एक करके मेरे से जुदा हो रहे थे, मुझे इतना सब कुछ हो गया, मेरे जो है पैर लगा कि पैर कट गया है, मैं खुद फर्स्ट एड करने लगा। तभी फर्स्ट एड कर ही रहा था कि एक और ग्रेनेड का टुकड़ा आया, यहां से ये पूरा काट, इसको कटने के बाद तो मुझे मेरा चेहरा बिल्कुल सुन्न हो गया। मुझे लगा कि यार आंखें नहीं है अभी, क्योंकि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। और जब आंखें खुली तो देखा ऊपर से नीचे तक लहू लुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। वहां पर उनका स्लीपिंग बैग था, उससे काफी देर तक ब्लड साफ किया लेकिन खून बंद नहीं हुआ। लेकिन जब खून में फिर भी, क्योंकि एक जुनून था अपने साथियों के लिए, अपने देश के लिए, अपनी सेना के लिए कुछ कर गुजरने का, फिर भी मैं आगे बढ़ा, अपने उस साथी के पास गया जिस साथी के लिए मुझे भेजा गया था। तो मैं पहाड़ी से ऐसे पीठ लगा करके ठीक हम आमने सामने बैठे हुए थे, मैं उनको बोला फर्स्ट में, कहा सर आप ऐसे करिए फर्स्ट एड कर दीजिए थोड़ा सा। उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसे कर, पहले फायर कर। तो मैं फायर करने लगा, कुछ देर के बाद मैं देखता हूँ कि उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी जैसे निकाली, उसके से पॉलिथिन फाड़ने के लिए यहां तक उनका हाथ पहुंचा था, उनको यहाँ पे गोली लगी। तो इस तरह से करके पीछे की तरफ लेटते चले गए, मैं हाथ पकड़ा लेकिन एक शब्द भी तो नहीं बोले। मेरी बगल में ऐसे बैठा हुआ था मेरा जो ट्रेनिंग का साथी था, मैं उनको बोला क्या अनंतरम सर को तो गोली लगी है क्या, बस वही शब्द बोल पाया। उसको आकर के सीने में ब्रश लगा, वो भी आकर दिल्ली तरफ लेट गया। प्लेटून हवलदार को बोला सर दोनों बंदों की गोली लगी है, कैसे है दोनों के दोनों, सब शहीद हो गए। बस इतना ही मैं बोल पाया, तभी आकर के इस तरह से हमको घेर लिया। और वो एक ऐसा पल, ऐसा मंजर कि एक ही पल के अंदर सब कुछ खत्म। जिन साथियों से एक पल पहले मैं बात कर रहा था अभी कोई नहीं बात करने वाला, उनको भी लगा कि यार इनमें सब ये मारे जा चुके। तो उनके कमांडर ने बोला इनको रिचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं। तो आकर के एक एक को गोलियां मारने लगे। तो एक डेड बॉडी मेरे ठीक सामने थी, एक मेरी बगल में थी, मेरे साथी थी, मैं इस तरह से पड़ा हुआ था। तो बेहोश था लेकिन इतना बेहोश नहीं हुआ था कि उनको देख ना सकूं, उनको सुन ना सकूं, देख सकता था सुन सकता था। जो उसने सामने वाले को जो है उसके सीने में आकर के तीन तीन चार चार राउंड की जो है ब्रस्ट खींचे, तो डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऐसे की तरफ। तो बगल वाले को मारा, मैं इस तरह से पड़ा हुआ चुपचाप पड़ा था। उसने आकर के फर्स्ट में यहाँ पर मारी, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से धुआं निकल रहा है। फिर उसने जांग में मारी, फिर नीचे पैर में मारी, तीन जगह गोली मारी। उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा। जब गोली मार करके चला गया तो जब एक विश्वास पैदा किया अपने दिल के अंदर कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। और वो विश्वास ही था कि आज मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ। उनको तो यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं। फिर उनके कमांडर ने, जो पाकिस्तान का एक था उनका कमांडर था, उन्होंने हमारे एक नीचे पोस्ट था एमएमजी पोस्ट, उन्होंने उनका बेस कैंप था टाइगर हिल की बगल में, मस्को वैली था, उसको मैसेज दिया कि यार नीचे जो हिंदुस्तान का एमएमजी पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर दो। जब ये आवाज मेरे कानों तक लगी तो मुझे लगा यार आज तो मेरी पूरी टुकड़ी खत्म हो जाएगी। ऊपर इनका पोस्ट है, नीचे अगर इन्होंने हमला कर दिया बीच वाले मेरे साथी कहां जाएंगे। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करें कि मुझे इतनी जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं। अगर निस्वार्थ भाव है, सच्ची श्रद्धा है, तो ईश्वर शक्ति भी साथ देती है। सभी के पास एक आंतरिक शक्ति है, जो इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसके पास एक ताकत है,
बस उस ताकत को पहचानने की, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करने की जरूरत है। अगर एक इंसान अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर लेता है, एक डिटर्मिनेशन कर लेता है कि मुझे ये करना है, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर एक मोटिवेशन अलाव होता है। और मोटिवेशन तो वो ताकत होती है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी काम को पूरा करने के लिए वो हमेशा प्रेरित करती रहती है। और मोटिवेशनल, इससे बड़ा और मोटिवेशनल हो ही नहीं सकता कि हम तो ऐसी पावन मिट्टी, हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म जन्म लिया है, जो वीर और वीरांगनाओं ने अपने खून से संचित सींचा है इसको, ऋषि मुनियों की मिट्टी है ये। इससे बड़ी और ताकत, इससे बड़ा और मोटिवेशनल हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। आत्मविश्वास और एक दृढ़ता, ये थी कि जो मैं ये सोच रहा था कि यार मेरी आखिरी सांस तक मैं इस जमीन को नहीं छोड़ूंगा। 3 बार गोलियां मारी उसने, लास्ट उसने सीने पे भी गोली मारी, लेकिन जो अपने आप का जो समर्पण होता है, अपना समर्पण किसी चीज के लिए कर दीजिए, तो जो समर्पण का जो भाव होता है वो आत्मा से परमात्मा का जुड़ जाता है, और वो फिर आपको ताकत देता है, वो आपको मरने ही नहीं देगा। तो शायद उसने जब गोली मारी तो यहाँ पर पर्स था, पर्स में भी ग्रेट के 5-5 रुपए के सिक्के, और वो भी इकट्ठे कर दिए परमात्मा। लेकिन उस गोली के धक्के से तो मुझे आभास हुआ कि यार मैं मर गया हूँ। गोली तो अंदर नहीं गई लेकिन रिकॉचिट हो गई, लेकिन आभास हो गया कि मैं मर गया हूँ। उन्होंने जो पाकिस्तान के जो जवान थे, उन्होंने हमारे साथ जो अमानवीय क्रूरताएं की, जैसे बूट की ठोकरें मारना हमारी डेड बॉडियों के अंदर, हमें गालियां देना, बहुत कुछ। फिर लास्ट में उनके कमांडर ने बोला इनके वेपन उठा लो, तो उनके एक जवान आया दोबारा से जो है गोली मार रहा है, दूसरा वेपन उठा रहा है। फिर उसने वेपन जब उठाया तो यहाँ मेरी AK-47 ऐसे पड़ी हुई थी, उठा करके जब वापस मुड़ा तो मुझे अनकॉन्शियस हो गया था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं जिंदा भी हूँ। लेकिन जब उसका पैर मेरे पैर से शायद टकराया तो मुझे एकदम से लगा कि मैं तो जिंदा हूँ, फील हुआ। तब एक ताकत अंदर से एकदम से आवाज आई कि अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा था, मैंने अपने धीरे से अपना हैंड ग्रेनेड निकाला, पिन निकाल करके उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। गुड। तो कोट के अंदर जो हुड लगा हुआ था, हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिर गया। जब वहां पे गिरा तो उसको लगा कि यार कुछ गिरा है। अच्छा। उसने पीछे की तरफ मुड़ करके देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं। तो जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया। ग्रेनेड की फटते ही जो पाकिस्तान के दूसरे जवान थे उनमें एकदम से खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से फौज आ गई, क्योंकि जिसने 3 बार गोलियां मारी हो कौन कह सकता है कि जिंदा होगा। वो एक मौका था मेरे पास कि मैं अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए कुछ विशेष कर गुजर जाऊं। मैं तुरंत उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, क्योंकि उसका पूरा सर उड़ गया और हमारे ऊपर आकर के गिरा पाकिस्तान का वो जवान। तो उसके राइफल को ऐसे पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं, क्योंकि इस हाथ की हड्डी निकल के पूरी बाहर हो गई थी। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से फिर एकदम से उनके ऊपर फायर खोला, 3-4 बंदे और उनके मारे गए। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, जब 3-4 जगह से फायरिंग किया तो उनको लगा कि यार हाँ नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। फिर उनके हौसले पस्त हो गए, वो पैर उखड़ गए और वहां से उनको भगा दिया। 3-4 मीटर तक रेंगता हुआ आगे गया तो देखता हूँ आगे जाने के बाद उनके सामने टेंट लगे हुए हैं, लंगर चल रहा है, उनके वेपन वहां पर डिप्लॉयड है। क्योंकि मुझे इतनी भी समझ थी कि अभी मेरे हमारी टीम के बाद दूसरी टीम आएगी अटैक के लिए, अगर उस टीम को जो है जितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं दे सकता हूं तो शायद उनकी कैजुअलिटी कम होगी। वो सब कुछ देखा, और फिर एक पागलपन भी था, पागलपन था अपने साथियों को बचाने का कि मुझे नीचे जाना है, किसी भी हालत में नीचे पहुंचना है, ताकि उनको सूचना दे दूं, उनके ऊपर हमला होने से पहले वो चौकन्ने हो जाएं, अपने आप को वहां पर बिल्डअप कर सके। फिर मैं वापस मुड़ा, वापस मुड़ करके जब अपने साथियों के पास पहुंचा तो एकदम से लगा कि हो सकता है इनमें से कोई मेरा साथी जिंदा होगा। आकर के देखा तो किसी का पूरा सर फटा हुआ बाहर निकला हुआ था, किसी के पूरे फेफड़े बाहर निकले। एक एक को गोद में रख करके सिर को बहुत देर बैठ करके रोता रहा, बहुत देर बैठ करके रोया, और रोते रोते फिर अपना आपको संभाला। मुझे तो ये भी पता नहीं चल रहा था कि किधर हिंदुस्तान है किधर पाकिस्तान है, क्योंकि 2.5 साल की सर्विस थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे।
बहुत देर संभालते रहे, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जब गोली लगी हुई, बहुत टाइम हो गया था, शरीर के अंदर कंपन भी पैदा हुई, ये लटक गया था टूट करके हाथ, इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये बंद भी नहीं पा रहा था। ये सोचा कि यार कट गया, इसको तोड़ करके ही फेंक देता हूँ, इससे अच्छा, क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था। इसको हाथ में झटका मारा, तोड़ने की भी कोशिश करी, लेकिन टूटा नहीं। फिर इसको उठाया, पीछे बेल्ट में फंसाया कमर के घेर के, फिर सोचता रहा कैसे करूं क्या करूं। तो एकदम से ऐसी आवाज सुनाई थी जिसने बोला, बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस नाले से लुढ़क गया। वो लुढ़क करके जब नीचे पहुंचा तो एकदम ऐसे गड्ढा आ गया था, एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मुझे लगा मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया हूं। तो मैं देखा तो मुझे मेरे साथी नजर आए, उनको मैंने आवाज दिया तो वहां से दौड़ करके आए। उन्होंने देखा कंडीशन की बचेगा नहीं। मैं उनको बोला कि मुझे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक पोस्ट को बचा लो कैसी कर। ये दिन के 1:30 बजे का समय था, बिल्कुल मौसम साफ, धूप खिली हुई थी। सीओ को इन्फॉर्म किया गया कि सर इस तरह की कहानी हुई है। सीओ ने बोला इस लड़के को जल्दी से जल्दी मेरे पास पहुंचाओ। तो फर्स्ट एड तो दिया, सीओ के पास पहुंचा तो इतना खून ब्लड निकल चुका था कि मुझे दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। सीओ ने बोला बेटा कुछ पहचानता है? मगर साहब मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, सिर्फ आवाज सुनाई दे रही। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, मैं जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही। तो उन्होंने अपना स्टोव जलवाई, टेंट के अंदर लिटा करके थोड़ी गर्मी महसूस हुई। तो अभी धीरे धीरे जो जबान भी ऐंठने लगी थी बारूद की वजह से, मगर साहब पानी पिला दो। एक दिन डॉक्टर साहब दौड़ करके आए, उन्होंने बोला बेटा मैं पानी पिलाता हूँ। तो उन्होंने एक ग्लूकोज की पूरी बोतल पिलाई, शरीर के अंदर थोड़ी सी और एनर्जी महसूस हुई। तो बोले बेटे बता सकता है? मैं कहा सब बता सकता हूँ। तब ऊपर की तमाम इन्फॉर्मेशन उनको दिया। तो लास्ट में बोले बेटा ये बता जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं जवान की रिक्वायरमेंट अमनेशन और फील्ड पट्टी की, बाकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं। बोला खाने के लिए नहीं चाहिए, एक बड्डी पेड़ के अंदर 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था, सिर्फ आधा बिस्कुट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस ही था। अभी मैं 26 जनवरी पे हर साल जो है अपने परेड को लीड करते हैं हम, जो परमवीर चक्र सारे जो इतने भी हैं आज भारत के अंदर, 3 ही परमवीर चक्र हैं जो जीवित हैं, वो तीनों के तीनों जो है परेड को लीड करते हैं। जो कल का भारत है वो युवा भारत है, और युवा भारत वो भारत की ताकत है, और वो ताकत जिस दिशा में भी बढ़ेगी हमारा देश उस दिशा में ही बढ़ेगा। उस देश की दशा और दिशा को बढ़ाने में जो हमारी युवा ताकत है उसका बहुत बड़ा योगदान है। हम ऐसा भारत, हम ऐसा कल भारत, जो कल का भारत हम ऐसा देखना चाहते हैं कि जो हमारा युवा है उसके जो अंदर एक स्ट्रांगता हो, एक ताकत होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए अपने देश के लिए, अपने कार्य के लिए। जो भी हम काम करें, जरूरी नहीं कि सेना में राइफल लेकर के बॉर्डर पे खड़ा होकर के ही राष्ट्रभक्ति होती है। जरूरी है कि जिस हम क्षेत्र में काम करते हैं, हर एक क्षेत्र एक युद्ध की तरह होता है, हर एक काम एक युद्ध की तरह होता है, और युद्ध में जीत उस सैनिक की होती है, उस योद्धा की होती है जो उस युद्ध को बखूबी समझ करके उसके पहलुओं को रिसर्च करे, उसके ऊपर गहराइयों को सोचे, उसकी कमजोरियों को पता करे, और उन कमजोरियों के ऊपर हम वार करेंगे तो हम आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। तो हम यहां पर भी किसी भी सेक्टर में रहकर के जो हमारा एक युद्ध चलता है, एक सुबह हम सुबह उठने से लेकर के शाम के सोने तक डेली का जो एक युद्ध है, युद्ध क्षेत्र है, इस युद्ध क्षेत्र में हम जीत कैसे हासिल करें। मैं अपने युवा को बताना चाहूं कि वो युवा वो देखे कि मेरा काम जो मैं कर रहा हूं उसमें अपना बेनिफिट नहीं, मेरा देश का बेनिफिट क्या है, मेरे देशवासियों का जो है बेनिफिट क्या है। क्योंकि हम दूसरों के लिए समर्पण की भावना हमारे यूथ में होनी चाहिए, अपने लिए नहीं। क्योंकि जो अपने लिए समर्पण होता है वो स्वार्थ आ जाती है, स्वार्थ। और हिंदुस्तान का युवा हमेशा निस्वार्थ होना चाहिए। मैं ऐसे कल के भारत का जो है निर्माण चाहता हूं, मैं ऐसा भारत देखना चाहता हूं कि हर एक युवा जिसमें निस्वार्थता, त्याग, उसमें एक आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो, भरा हुआ, उसमें
उसमें राष्ट्रभक्ति हो, अपने प्रेम, एक राष्ट्र का प्रति प्रेम हो, क्योंकि प्रेम बहुत बड़ी ताकत होती है जो इंसानों को एक साथ जोड़ती है, और एक उस जोड़ से एक बहुत महान शक्ति बनती है जहां हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसा भारत चाहिए, ऐसा युवा चाहिए मुझे भारत का। सेल्फलेस इंडिया, टुमारोस इंडिया, टुमारोस इंडिया, लेट्स स्टार्ट विद आई। वर्ड्स ही नहीं, सबको दिख रहा है कि कितने ब्रेव हैं। मैं तो इनको सल्यूट, और मतलब दिल से, मैं कभी किसी को ऐसे करती नहीं, पर मैं आज हाथ जोड़ के थैंक यू बोलती हूं कि इतना ब्रेव होना हमारे बस का नहीं है। मतलब ये तो मतलब बहुत ही ग्रेट इंसान है, और जिस तरह से उन्होंने बताया एक एक चीज, ओ माय गॉड, तब समझ में आया कि जबकि हम लोग डिफेंस में हूं मैं, पर मेरे मुझे तक नहीं इतना पता था, क्योंकि कभी खुद खुद एक्सपीरियंस खुद तो ज्वाइन किया नहीं था, तो पर आज पता चल रहा है कि जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में होते हैं कितने ग्रेट होते हैं, और जितना जुनून इनका देखा अपने देश के लिए, वाकई शर्म आती अपने आप को देख के अब तो। तो फ्रेंड्स, इससे पता चलता है कि ट्रू हीरोज क्या हैं। और ये जब मैं देख रही थी तब मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, वो जो एकता कपूर का हमने वो देखा था वीडियो जहाँ पे वो आर्मी के ऊपर इस टाइप का बनाया था, तो मुझे लग रहा था कि एक ये हैं जो अपने देश के लिए देखो, और एक वो हैं जो घर में बैठे हैं और इस टाइप के आप सीरियल्स बना रहे हो। तो मेरा अगर वो ना मेरे हाथ में, तो मैं उनको बोलूँ ये वीडियो देखो, और ये वीडियो देख के सोचो कि आप क्या बना रहे हो, आपको क्या बनाना चाहिए, आपको तो इनकी स्टोरीज पे बनाना चाहिए, आपको बनाने सीरीज, वेब सीरीज बनानी, आप इन पे बनाओ, इन पे बना के सारे एक एक घर में वो स्टोरी जाए, उनको पता चले, हमारे आज के जो बच्चे हैं जेनरेशन है उनको, इनको देख के पता चले कि हीरोज क्या होते हैं, हमें कैसा बनना है, हम अपनी कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं। बहुत शर्म आ रही है ये सोच के कि कहाँ हम जा रहे हैं, और कहाँ हमारी मिलिट्री में जो हमारे जवान हैं, हमारे सोल्जर्स हैं, वो देखो कैसे हैं, और हम अपने घर में बैठे हुए क्या कर रहे हैं। तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही मैं तो सल्यूट करती हूँ इनको दिल से। अगर मेरे सामने आ जाए ना, तो मैं बहुत ही खुशकिस्मत समझूंगी कि मेरे को ऐसे एक इंसान से मिलने का मौका मिला। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छा वीडियो था। इसमें कुछ टाइम पे जो है इंसान बहुत घबरा जाता है, अब जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, सोचिए कितनी हिम्मत चाहिए उस वक्त, कि जैसे वो कह रहे हैं कि एक समय पे उनको लगता है कि उनका पैर चला गया, फिर उनको लगता है नहीं पैर है, उनके ऊपर इतनी गोलियों से मारा गया, फिर एक समय पे उनको लगता है कि उनका हाथ चला गया है, उनको दिखता है कि हाथ चला गया, फिर वो हाथ को किस तरह से बेल्ट से बांधते हैं कि मैं थोड़ा और कुछ कर लेता हूँ, और फिर जो है मतलब हर पॉइंट पे उनको जब लगा कि एक पॉइंट पे जब किसी का टच हो तो लगता है अरे मैं जिंदा हूँ अभी, अब तक नहीं मरा तो और कुछ कर सकता हूँ, अंदर की कोई आवाज़ थी है। फिर वो लेते हैं ग्रेनेड को, फेंकते हैं, उसको उड़ाते हैं, और फिर इतनी हिम्मत होती है कि किसी अंदर से आवाज़ आती है जो बोलती है यहाँ चले जाओ, तो वो भी देखिए कैसे भगवान हेल्प कर रहा है, वो वहाँ गिरते हैं, उसके बाद उनको अपने लोग नज़र आते हैं। इसमें इतनी चीज़ें हो रही हैं जो नॉर्मली नहीं होती, मतलब भगवान का मुझे हाथ नज़र आ रहा है कि ये हर चीज़ कोइंसिडेंस नहीं हो सकती, कोई स्पेशल बात थी जो ये हुआ, इतने उसके बाद भी जो बच गए और अल्टीमेटली पूरी टाइगर हिल वापस ले लेते हैं। और उसके बाद इंसान यही सोचता है कि क्या ज़रूरत है इतनी लड़ाई की, मतलब ह्यूमन बींग्स इतने लड़ रहे हैं, क्या फ़ायदा था कि जब इंडियन आर्मी वापस जा रही है पोस्ट छोड़ के, उनको कब्ज़ा करना, अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करनी। तो
तो वो भी बहुत बुरा लगता है कि कोई ऐसा भी एनिमी हो सकता है जो ऐसा करेगा। और इनकी बात सुनकर जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये इन्होंने कई बातें सही कही थी कि उस वक्त जो इतना इंसान घायल है उसको कुछ पता नहीं क्या इंडिया क्या पाकिस्तान, उनको कुछ पता नहीं क्या कंट्री क्या है। और मगर अंदर की कोई आवाज़ थी जो उनको गाइड करती है वहाँ तक जाने के लिए। और काफ़ी ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, जैसे मैक्सिमम जो उनके साथी थे वो तो मर गए थे, मैक्सिमम तो मर गए थे, मगर उनमें इतनी हिम्मत अभी भी थी कि वो ऐसा शो कर रहे थे, कभी इधर से फायरिंग कर रहे हैं कभी उधर से फायरिंग कर रहे हैं कि उनको लगे कि कोई और आ गया, इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड होना। अब ये सोचे कि वो पहले बोल रहे थे डेड बॉडियों पे मारते हैं तो डेड बॉडी ऐसे उछलती है, उनको मारेंगे तो वो भी उछले होंगे, और सोचिए कि उन्होंने बिल्कुल भी आवाज़ नहीं की होगी। अब यहाँ पे कोई आपको गोली मारे और आप आवाज़ ना करें, ऐसा कैसे पॉसिबल है? उनमें पावर थी इतनी कि इतनी गोलियों के बावजूद उनको उन्होंने आवाज़ नहीं की, कोई चिल्लाए नहीं, कुछ नहीं किया, और उन्होंने लगा कि ये इंसान भी जा चुका है। और उसके बाद भी मतलब जो और आगे चलती है बात कि वहाँ ख़त्म नहीं होती, उसके उनको लगता है कि मेरी बॉडी ख़त्म हो गई। फिर वो ग्रेनेड अटैक करते हैं, फिर जगह जगह से अटैक करते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, आगे तक जाते हैं। तो बहुत कुछ उसके बाद भी करना बाकी था, बहुत ही मतलब अब मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली कोई भगवान या सुपर नेचुरल पावर थी इनके साथ जो उनको बचा रही थी, उनको मोटिवेट कर रही थी कुछ करने के लिए। और उनको भी वो लग रहा था इस बात का कि मेरे साथ कोई है, मेरे को आवाज़ आ रही है, नीचे जाओ, मैं चलता गया तो ये बहुत ही बढ़िया वीडियो था उनका, खुद कहा कि क्या क्या हुआ वहाँ पे। और बहुत ही ब्रेव सोल्जर हैं, और अच्छा है कि आर्मी ने अब इनको इंस्ट्रक्टर बनाया, क्योंकि 19 इयर्स में एक यंग आदमी ने इतना सहन किया, वो बच गया और अब वो इंस्ट्रक्टर बनाया औरों को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, सही बंदे से इंस्ट्रक्ट करा रहे हैं जिसने खुद लड़ाई की है, जो खुद बचा है, जिसको परमवीर चक्र मिला है। अब वो बंदा जो आपको रियली बता सकता है कि क्या होगा रियली वॉरफेयर में, उन्होंने खुद सहन किया है कि कुछ पता नहीं चलता। अल्टीमेटली यहाँ तक पहुँच गए थे कि उनको सुनाई दे रहा था, दिख भी नहीं रहा था। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो था। यस फ्रेंड्स, और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ये वीडियो जहाँ तक हो सके इसको शेयर करो इनकी स्टोरी, ताकि हमारे एक एक घर में जो यंगस्टर्स हैं उनको पता चले कि रियल हीरो क्या होते हैं, और वो इनसे सीखें। जिन्होंने एंड में बोला था ना कि कैसा उनको इंडिया चाहिए, बिल्कुल वैसा हमें भी इंडिया चाहिए, और वो सब हमारी नई जेनरेशन के ऊपर है। अगर हम उनको इस टाइप के वीडियोस दिखाएंगे, ना कि वो टाइप के जो आजकल चल रहे हैं जहाँ पे बैड लैंग्वेज और उस टाइप की वॉयलेंस, ड्रग्स और ये सब की स्टोरियाँ बना रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो हिट भी हो जाती हैं, हमें ये इन स्टोरीज को हिट करना चाहिए, ये बननी चाहिए हिट, और ये हमारे जेनरेशन को दिखाना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि हमारे कंट्री में इतने ब्रेव जो सोल्जर्स जो हैं वो ऐसे हैं, ये हमारी मिट्टी कर बना रही है, वो जैसे वो कह रहे थे मिट्टी में है ये। आप मैं तो मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती इतनी ब्रेवरी, तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही, और होप करती हूँ कि ये किसी दिन हमारे उन लोगों के पास पहुँच जाए जो गलत चीज़ें बनाते हैं, गलत चीज़ें दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे साथ ये वीडियो शेयर किया है। बहुत प्राउड फील होता है कि हम ऐसी कंट्री से आए हैं और उस धरती से हम बने थे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर, जय हिंद। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।